नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। डिस्कस अबाउट द ओरल रूट एंड पेरेंटल रूट, राइट ब्रीफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट एंड पेरेंटल रूट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आज इस क्वेश्चन को हम डिटेल से बताएंगे। तो इससे पहले जो वीडियो नए हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला ओरल रूट, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, ओरल रूट किसे कहते हैं। तो लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर रूट, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसे आंतरिक मार्ग भी कहा जाता है, ठीक, और दवा लेने के लिए सबसे अधिक इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। कौन सा मार्ग? ओरल रूट का। एग्जांपल, सिरप, टेबलेट एंड कैप्सूल कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट इजली। इस मार्ग से आसानी से सिरप, टेबलेट और कैप्सूल लिया जा सकता है, ठीक। ये सारी दवा लेने के लिए कौन सा रूट उपयोग किया जाता है? ओरल रूट, ठीक। आपको क्लियर हो गया। अब इसका एडवांटेज जान लेते हैं। इट इज ए सेफ, कन्वेंट एंड इकोनॉमिकल रूट्स। यह सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती मार्ग है, यानी इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता, ठीक। दूसरा है सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, इस मार्ग से स्वयं दवा ले सकते हैं, ठीक। तीसरा है विड्रॉल ऑफ द ड्रग इज पॉसिबल, यानी दवा की वापसी संभव है, यानी कोई जैसे विष खा लिया, कुछ में खा लिया, तो इससे क्या क्या वोमिटिंग करा के दवा बाहर निकाला जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेज। अब चलते हैं इसका डिसएडवांटेज देखते हैं ओरल रूट का। डिस एडवांटेज यानी कि इसका हानि या नुकसान। ओरल रूट से यदि कोई दवा लेंगे तो कौन कौन से हानि होगा और कौन सा नुकसान हो सकता है देखते हैं। पहला है वन सेट ऑफ ड्रग एक्शन इज स्लो, दवा कार्रवाई की शुरुआत धीमी होती है। इस मार्ग से दवा की एक्टिविटी बॉडी में बहुत धीरे होता है, धीमी प्रोसेस से होता है। यदि मान लीजिए हमें पेन है तो हम दवा ओरल रूट से लेते हैं तो 2-3 घंटा के बाद हमको पेन आसान होता है। उसी तरह दूसरा है ड्रग विच आर बेटर इन टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन, जो दवा खराब होती है यानी कड़वी होती है स्वाद में, उसे इस मार्ग से नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि यदि इस मार्ग से हम खराब दवा लेंगे जो कड़वी है तो वो क्या होगा, उल्टी हो जाएगा और वोमिटिंग हो जाएगा, जिसके कारण वो दवा काम नहीं कर पाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ठीक। तीसरा है डिसएडवांटेज में ड्रग प्रोड्यूस नोसिया एंड वोमिटिंग, यानी इस मार्ग से कोई दवा लिए मिली और उल्टी आया जिसके कारण दवा बाहर निकल गया तो वो क्या कहते हैं काम नहीं कर पाता है, अभी बताए थे, ठीक। चौथा है दिस ड्रग मे बी इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम, बोला गैस्ट्रिक एंजाइम से जो दवा निष्क्रिय हो जाता है वो इस मार्ग से नहीं लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इंसुलिन को देखते हैं, तो इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन हार्मोन है, और इसको यदि मुंह के द्वारा लिया जाए, ओरल रूट के द्वारा लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है, पाचित हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए इस रूट से हम इंसुलिन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है पांचवा दिस रूट इज नॉट पॉसिबल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब जो व्यक्ति कोमा में हो तो उसे इस मार्ग द्वारा दवाई नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस में होता तो वो ड्रग्स को इनहेल नहीं कर पाएगा। अब है पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स क्या होता है, डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन ओरल रूट्स आर टर्मेड एज पेरेंटल रूट्स, मतलब बोल रहा है मौखिक मार्ग के अलावा अन्य मार्ग को पेरेंटल रूट कहा जाता है, ठीक। इसमें लिखा पेरेंटल रिफेयर्स इंजेक्टेबल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या किया जाता है, इसमें दवा को इंजेक्ट करके बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंजेक्ट करने के बाद डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओरल रूट में क्या किया जाता है, माउथ के द्वारा दवा लिया जाता था, इसमें इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद लिखा है इट ड्राइव्ड फॉर ग्रीक वर्ड्स पारा फ्रॉम आउटसाइड एंड इंट्रॉन, माने इंटेस्टाइन, मतलब बोल रहा है यह क्या होता है, ग्रीक वर्ड से बना है पेरेंटल रूट। पारा का मतलब होता है आउटसाइड एंड इंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के बाहरी बाहर क्या किया जाता है, दवा को ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। लिखा सो दिस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल से क्या किया जाता है, बाहर ड्रग को क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट किया जाता है, यानी इंजेक्ट करके दिया जाता है बाहर, इसमें जैसे मसल्स में हो गया, उसके बाद क्या हो गया वेन में, डायरेक्ट वेन में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहते हैं दवा को इंजेक्ट करके इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट्स, तो इसमें है पहला अब्जॉर्प्शन इज रैपिड एंड क्विक, यह क्या होता है, इस मार्ग द्वारा दवा का जल्दी अवशोषण, जल्दी और तुरंत अवशोषण होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा है एक्यूरेट डोजेज ऑफ द ड्रग कैन बी गिवन, इस मार्ग से दवा की निश्चित मात्रा दी जाती है, ठीक। तीसरा है द ड्रग्स एंटर्स इनटू सर्कुलेशन इन
एन एक्टिव फॉर्म यानी दवा सक्रिय रूप से संचरण में प्रवेश किया जाता है। ये इसमें क्या किया, दवा को सक्रिय रूप से क्या किया था, संचरण पथ में प्रवेश कराया जाता है यानी वेन में प्रवेश किया जाता है। उसके बाद है इट इज यूजफुल इन इमरजेंसी, यह आपातकाल स्थिति में उपयोगी होता है। ठीक, कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो तो उसमें क्या किया जाता है, तुरंत इस मार्ग से दिया जाता है दवा दिया जा सकता है। उसके बाद इट इज यूजफुल इन केस ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट, बोलता है बेहोशी रोगी के मामले में यह उपयोगी होता है। जो पेशेंट कोमा में रहता है उसमें क्या किया जाता है, इस मार्ग का उपयोग किया जाता है, इस मार्ग द्वारा ही दवा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ द पेरेंटल रूट्स, इसका क्या हानि है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहला पेन में भी प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन जब दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, पेन होता है, पेन होता है, यह इसका क्या नुकसान है। दूसरा है एब्सिस एंड इन्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन जिस साइड से जिस जगह पर दिया जाता है वहाँ कभी कभी क्या होता है, सूजन आ जाता है और अवशिष बाहर निकल जाता है यानी ब्लड वेन से बाहर निकल जाता है और फूल जाता है, तो उसको अवशिष बोला जाता है, अवशिष हो जाता है। तो यह इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा है स्टराइल प्रोड्यूस आर रिक्वायर्ड फॉर इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन हम जब देंगे तो उसमें क्या क्या स्टराइल प्रोडक्ट यूज मिलेंगे यानी जो संक्रमित चीज है उसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी संक्रमित चीज का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में संक्रमण फैल जाएगा, तो यह भी उसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद इट इज एन एक्सपेंसिव रूट, यह महंगी रूट है क्योंकि इस मार्ग से यदि कोई ड्रग्स दिया जाता तो उसके लिए इंजेक्शन कॉटन और स्ट्रिप बहुत सारे चीज का रिक्वायर्ड होता है, जो स्टाइल प्रोडक्ट होता है उसका रिक्वायर्ड होता है, तो ये क्या हो गया, महंगा रूट हो गया। उसके बाद है पांचवा सेल्फ मेडिकेटेड इज नॉट पॉसिबल, इस मार्ग से स्वयं दवाई नहीं लिया जा सकता है, कोई व्यक्ति स्वयं इंजेक्शन नहीं ले सकता है, तो ये क्या हो गया, इस मार्ग से सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल यानी इस मार्ग से स्वयं दवा नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद नोट में है ओरल रूट बाय द माउथ एंड पेरेंटल रूट बाय द इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, मतलब बोला है ओरल रूट में माउथ के द्वारा ड्रग्स लिया जाता है जबकि पेरेंटल रूट में इंजेक्शन और इनहेलेशन के द्वारा ड्रग्स लिया जाता है। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका, यदि आपको समझ में आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।